मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में महिलाओं बुजुर्गों के लिए कई ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कितनी दी राहत। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट को काफी अहम माना जा रहा है। जब बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट पेश किया तो उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जा रही है। महिलाओं के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एककालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आयरन विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर पर 2 लाख तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश का 75वां बजट पेश किया, लिहाजा इसे आजादी के अमृत काल से जोड़ते हुए कई बड़े ऐलान किए। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी गिफ्ट की घोषणा की गई है। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।